दोस्तों सलमान खान पिछले साल सितंबर में घोषणा की थी कि वो अपने लोकप्रिय दबंग फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट में इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे के रूप में लौटेंगे। अब हमें सुनने में आया कि सलमान खान अप्रैल में फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। इस फिल्म को प्रभु देवा डायरेक्टर करेंगे, जिनके साथ सलमान ने आखिरी बार 2009 में फिल्म वांटेड में काम किया था। दोस्तों इस खबर को कंफर्म करते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर अरबाज खान ने एक लीडिंग डेली से कहा, हाँ फिल्म अप्रैल से फ्लोर पर चली जाएगी, हालांकि अभी तक हमने शूटिंग की लोकेशन फाइनल नहीं की है। दोस्तों अरबाज खान ने यह भी कहा कि अभी हम केवल इतना ही बता सकते हैं कि फिल्म में सलमान खान लीड रोल में होंगे और इनके डायरेक्टर प्रभु देवा होंगे। वैसे दोस्तों जब से दबंग 3 की घोषणा हुई थी तब से फिल्म के प्लॉट के बारे में कई अनुमान लगाए गए हैं और जब अरबाज खान को इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने कुछ भी ना बताने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया पर दबंग 3 के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ, कुछ का कहना है ये एक रीमेक, कुछ का कहना है कि ये वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित है, कुछ कहते हैं कि ये नोएडा में स्थापित है, वर्तमान में मैं इसे सीक्रेट रखना चाहता हूँ। दोस्तों इस फिल्म के शुरू होने से पहले सलमान खान अली अब्बा जफर की फिल्म भारत की शूटिंग पूरी करेंगे और अभी मुंबई के फिल्म सिटी में इस फिल्म की शूटिंग चल रही। इस फिल्म में सलमान खान के साथ कटरीना कैफ लीड रोल में हैं और ये फिल्म 2019 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। तो दोस्तों सलमान खान की फिल्म दबंग 3 के बारे में आपको क्या कहना है, कॉमेंट में आप अपना जवाब जरूर दें। Subscribe my channel and press the bell icon.